वेलकम बैक टू स्वाहा ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीकली वीडियो। मेरे चैनल पे जो फर्स्ट ट्रैवल सीरीज है वो है यूरोप सीरीज। तो हम जब यूरोप गए थे तो पूरा ट्रिप हमने खुद से प्लान किया था विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रैवल एजेंट, और ये पूरी ट्रिप प्लान करने में हमने 5 मोबाइल ऐप का यूज किया था जो हमें बहुत ही हेल्पफुल हुई पूरा ट्रिप प्लान करने में। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 मोबाइल ऐप विच इज वेरी यूजफुल टू प्लान योर एनी इंटरनेशनल ट्रिप। तो अगर आपने मेरी यूरोप सीरीज नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगी, गो एंड वॉच आउट एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द एप वन बाय वन एंड आई विल शो यू हाउ इजी टू यूज दिस एप। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एप है वो है गो यूरो, जिसका नाम अभी ओमियो हो गया है। जनरली आपने देखा होगा जो भी टूरिस्ट यूरोप ट्रैवल करते हैं वो 3 से 4 कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, तो ये ऐप की मदद से आप विद इन अ कंट्री और एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आप इजीली बुक कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ टू यूज इट। प्ले स्टोर में जाके आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अभी इसका नाम हो गया है ओमियो। यहाँ पे मैं जर्नी डिटेल एंटर करके सर्च कर लूँगी। सर्च करने के बाद जो पहला स्क्रीन देखने को मिलेगा वो है कुछ ऐसे। ये एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात है कि ये आपको 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फेयर दिखाता है एक ही स्क्रीन पे, जिससे जो टूरिस्ट है उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कंपेयर करके बुक करना। गो यूरो एक थर्ड पार्टी बुकिंग टूल है, जैसे हम इंडिया में मेक माई ट्रिप यात्रा यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के तीनों सेगमेंट में जो रूट है और फेयर की डिटेल देता है, तो आपको सेपरेट वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक बार आप जो डिसाइड कर ले उसके बाद आप क्लिक कर लीजिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पे उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी समझना एकदम ईजी है, बहुत ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं है और कम भी नहीं है, तो बहुत ईजी है। एक बार डिसाइड करने के बाद गो टू पैसेंजर डिटेल में जाके आपकी डिटेल भर के आप सीधा बुक कर सकते हैं। और आपने जैसे मल्टीपल जर्नी बुक की है तो जो अपकमिंग टैब है उसमें आप आपकी सारी जर्नी डिटेल देख पाएंगे। ज़्यादातर हर एक जगह पे ई टिकट इज़ वैलिड एक्सेप्ट एयरलाइंस, तो आप पहले चेक कर लीजिए। इसको रेकमेंड करने का मेन मोटिव ये था उनका एक्सेलेंट इंग्लिश स्पीकिंग कस्टमर केयर सपोर्ट। ज़्यादातर हमने क्या देखा यूरोप में, जो उनकी लोकल ट्रेन और बस एजेंसी होती है उनका स्टाफ लोकल लैंग्वेज बोलता है और आप ये बुकिंग एडवांस में करेंगे, तो अगर आपको कुछ क्वेरी हुई तो उनको समझाना और समझना दोनों मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप टूरिस्ट है और यूरोप जा रहे हैं तो वी हाईली रेकमेंड। देखा आपने इसको यूज करना कितना हेल्पफुल है, आपको इधर उधर 3-4 साइट पे जाने की जरूरत नहीं है एंड यू गेट द बेस्ट कोट। दूसरा जो ऐप है वो मेरा सबसे फेवरेट ऐप है, ये मैंने यूरोप में डे टू डे बहुत यूज किया और आगे भी जो मेरी इंटरनेशनल ट्रिप रहेगी उसमें मैं इसका एक्सटेंसिवली यूज करने वाली हूँ। ये ऐप का नाम है विजिटर सिटी। ये ऐप की मदद से आप डे टू डे यूरोप आइटिनरी प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ टू यूज इट। प्ले स्टोर में जाके आप विजिटर सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और ये देखिए, यहाँ पे हर एक कंट्रीज के जो फेमस सिटीज़ है उन सबकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप आपकी हर एक इंटरनेशनल ट्रिप में इस एप्लीकेशन का एक्सटेंसिव यूज़ कर सकते हैं। अभी हम प्राग सिटी पे क्लिक कर लेते हैं। अब सिटी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले उसका जो डेटा और ऑफलाइन मैप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब भी आपके पास इंटरनेट ना हो तभी भी आप इसको एक्सेस कर पाए। ये हो गया हमारा मैप डाउनलोड और ये देखिए, यहाँ पे वो सिटी के बारे में दूसरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इवन ट्रैवल टिप्स भी अवेलेबल है। लुक एट दिस, कितना यूज़फुल है ये एप्लीकेशन। यहाँ पे सेकंड टैब है फर्स्ट टू 5 डे, उस पर हम क्लिक कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पे कुछ फिक्स आइटिनरी है, तो अगर आप एडिट करना ना चाहे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं भी एडिट करूँगी तो मैं रैंडमली किसी पे भी क्लिक कर लूँगी। लेट मी क्लिक ऑन 2 डेज आइटिनरी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड डे की जो प्लान आइटिनरी है वो दिखा रही है। मुझे ये एप्लीकेशन इसलिए पसंद है कि वो आपको 2 साइट के बीच कितना वॉकिंग डिस्टेंस और ट्रांजिट टाइम है वो दिखाता है, हर एक साइट विजिट करने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए और प्लान के हिसाब से चले तो आप हर एक साइट पर कितने बजे पहुँचेंगे वो दिखाता है। सो लेट्स स्टार्ट एडिटिंग। सबसे पहले हम हमारा होटल ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम होटल ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा होटल ऐड हो गया अब हमारी आइटिनरी में। उसके बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, तो सबसे पहले हम साइट पे क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए ये सारी साइट्स की डिटेल है। जहाँ पे राइट साइन है वो सारी साइट्स आपके आइटिनरी में ऑलरेडी एडेड है,
तो ऊपर जो ये बटन्स है वहाँ से हम सबसे पहले नॉट इन माई प्लान पे क्लिक करेंगे। तो ये सारी साइट है जो आपके आइटिनरी में ऐड नहीं है, तो उसकी डिटेल पढ़ने के बाद आप सिर्फ प्लस पे क्लिक कर लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। और ये देखिए, ये ऐप आपके पहले के साइट के प्लान के हिसाब से आपको डे सजेस्ट भी करेगा कि कहाँ से ये साइट आपको नज़दीक पड़ेगी। तो ये मैंने ऐड कर लिया, वैसे ही मैं कुछ और साइट ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अब हम रेस्टोरेंट ऐड कर लेंगे, तो ये मैंने रेस्टोरेंट पे क्लिक कर लीजिए, ये सारी रेस्टोरेंट आ गई। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के रेस्टोरेंट फ़िल्टर करनी है तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कुछ ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने रेस्टोरेंट भी ऐड कर लिया और ये देखिए हमारा अब पूरा आइटिनरी बन गया। साइट ऐड हो गई, रेस्टोरेंट ऐड हो गई। मैप पे क्लिक करके आप क्विकली देख सकते हैं कि हर एक साइट एक दूसरे से कितना दूर है। अब आप जो साइट पे जाए वहाँ पे क्लिक करके उसकी और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे ब्रीफ अवेलेबल है, ओपनिंग आवर्स, उसका एग्जैक्ट एड्रेस, इवन ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है। तो वो साइट पे जाके आप हैंड्स फ्री डाल के उस वो लोकेशन की ब्रीफ भी ले सकते हैं कुछ ऐसे। On the southeast corner of the Wenceslas Square, in a neo-Renaissance building built in the late 1880, you can find the National Museum. बाद अगर आपको साइट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ से मैं उसको रिमूव कर लूँगी। और जो सजेस्टेड टाइमिंग है विज़िट के लिए, अगर कहीं पे आप ज़्यादा रुकना चाहे तो आप वहाँ पे टाइमिंग ऐड कर लीजिए, ताकि जो उसके पीछे के टाइमिंग है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। कोई साइट अगर आप पहले विज़िट करना चाहते हैं तो आप इसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको रीऑर्डर कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जो रेस्टोरेंट था उसको हम हमारे लंच टाइम पे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ऐड कर लिया। हाँ, तो वैसे ही अगर आपको जो भी ऊपर नीचे लोकेशन करने हैं वो कर सकते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आइटिनरी में टाइमिंग के चेंजेस हो जाएंगे। और ये देखिए गाइज, हमारा पूरा आइटिनरी रेडी हो गया। आपको किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटा और मैप के हिसाब से आप पूरी सिटी को विज़िट कर सकते हैं। अब हम हमारी आइटिनरी को सेव कर लेते हैं। तो सेट एज माई प्लान पे क्लिक करके ये देखिए हमारी आइटिनरी सेव हो गई। बैक जाके आप माई प्लान टैब में आपकी जितनी भी एडिटेड आइटिनरी है वो आप देख सकते हैं। देखा आपने ये ऐप कितना यूजर फ्रेंडली है, इसी वजह से ये मेरा फेवरेट ऐप है। ये सिर्फ ना ही आप यूरोप ट्रिप के लिए, आपकी हर एक इंटरनेशनल ट्रिप में आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ऐप नंबर 3, बहुत सारे ब्लॉगर और व्लॉगर के आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, यूरोप में मोस्टली हर एक जो कैफे होते हैं वहाँ पे इंटरनेट फ्री होता है। तो अगर आपने इंटरनेट प्लान नहीं किया है तो वो कैफे में जाके आप फ्री वाईफाई यूज कर सकते हैं। तो वही हमारा थर्ड ऐप है जिसका नाम है वाईफाई फाइंडर। लेट मी शो यू हाउ टू यूज फर्स्ट। प्ले स्टोर में जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ये देखिए, अभी मेरे आसपास जितने भी वाईफाई अवेलेबल है वो मुझे दिखा रहे हैं। मैं किसी पे भी क्लिक करूँगी तो वो वाईफाई का अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड क्या है वो भी मैं देख सकती हूँ। अभी मैं इंडिया से यूज़ कर लूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। मैंने जो यूरोप में यूज़ किया था उसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए, जब मैंने यूरोप में यूज़ किया था पूरा स्क्रीन आपका भर जाएगा। आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ़िल्टर करना। आप कैफ़े को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उसका स्पीड, आप मैप के नीचे जो एरो दिया गया है वहाँ से आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आपने पेड वर्जन लिया है तो आप ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर सकते हो, तो जब आपके पास इंटरनेट ना हो तभी भी आप इसको एक्सेस कर सकें। सो गाइस, कितना इजी है इसको यूज करना। और जनरली हम सब लोग चाहते हैं कि हर रोज के पिक्चर्स क्लिक करके हर रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। सो गो एंड यूज द फ्री वाईफाई, नो नीड टू टेक एनी इंटरनेट डेटा कनेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा ऐप है वो ना ही आप इंटरनेशनल ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल, और मैं रेकमेंड करूंगी ये एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में भी हमारी मोबाइल ऐप में होना ही चाहिए। तो ये ऐप का नाम है फर्स्ट एड। वी विश आप जब भी ट्रैवल करें तो आपको कभी ये एप्लीकेशन की जरूरत ना पड़े, बट प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो लेट्स सी हाउ दिस ऐप वर्क।
प्ले स्टोर में जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए और ये देखिए हर एक सिचुएशन के ऑप्शंस यहाँ पे है। और मैं अभी किसी पे क्लिक कर लेती हूँ और ये देखिए अगर हार्ट अटैक आए तो कौन से सिम्टम्स है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या फर्स्ट एड देना है उसकी अब पूरा ब्रीफिंग है यहाँ पे। तो ये काफ़ी यूज़फुल है इमरजेंसी के टाइम पे। मेरे हिसाब से ट्रैवल करें या ना करें ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। इसी एप्लीकेशन पे हर एक कंट्री के इमरजेंसी नंबर्स अवेलेबल है तो सीधा फर्स्ट एड देने के बाद इमरजेंसी नंबर पे कॉल करिए। और आपके फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसकी डिटेल है यहाँ पे। हर एक पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इसका क्या यूसेज। प्लीज गाइज ये ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखें, डे टू डे में भी ये बहुत यूजफुल है। हमारा जो लास्ट ऐप है उसका मैं डे टू डे हर एक टाइम पे इसका मैं बहुत यूज करती हूँ और बहुत सारे लोग जो यूरोप ट्रैवल करते हैं उनको पता नहीं है। यूरोप में से अगर आप कोई भी मर्कंडाइज लेते हैं जैसे क्लोथ्स, वहाँ पे क्रिस्टल बहुत फेमस है तो आपने क्रिस्टल लिए, क्रॉकरीज ली, या तो आपने वहाँ से कुछ ज्वेलरी या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कुछ आइटम ली तो उस पे जो आप टैक्स पे करते हैं वो आपको रिटर्न भी मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी फ्लाइट के कुछ टाइम पहले आप एयरपोर्ट पहुंचिए, वहाँ पे एक डेस्क होता है, वहाँ पे आपके सारे बिल्स आप सबमिट करके फॉर्म भरेंगे तो ये सारी आइटम पे जो आपने टैक्स पे किया है वो सब आपको रिटर्न मिल जाएगा। गाइज जो आप फूड, होटल और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है उस पे जो टैक्स आप पे करते हैं वो टैक्स रिटर्न के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं कॉरपोरेट पर्पज से भी उसके लिए भी ये ऐप बहुत यूजफुल है। सबसे पहले मैं आपको ऐप दिखा देती हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करके आप एक्सपेंस जनरेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरा ट्रिप डिटेल, मेरी ट्रिप का स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है वो सारी डिटेल डाल के और उस पर ओके कर दूंगी तो मेरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। और ये देखिए मेरा रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब इसमें मैं क्लिक करके बिल ऐड करना स्टार्ट करूंगी तो बिल ऐड करने के लिए तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। एक है इम्पोर्ट, जो आपके पास ऑलरेडी स्कैन कॉपी है उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, टैक्स भी डाल सकते हैं और यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं। मैं आपको एक ऐड करके दिखाती हूँ। मैंने पिक्चर पे क्लिक करके कोई भी एक बिल का फ़ोटो ले लिया और अब इसको मैं एक्सपेंस में ऐड कर लेती हूँ और जो भी बिल है उसकी डिटेल यहाँ पे भर दूँगी। तो फ़ोन बिल्स, उसका प्राइस, किस दिन मैंने खर्चा किया वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ और इसको मुझे कौन सी कैटेगरी में रखना है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी अवेलेबल है। अगर रीएम्बर्स होने वाला है तो आप इसको राइट साइन पे क्लिक कर लीजिए और आप कौन से कार्ड से या कैश से पेमेंट करना चाहते हैं वो भी आप एंटर कर सकते हैं। और ये बिल ऐड हो गया, वैसे ही मैं कुछ और बिल भी ऐड कर लूँगी और उसके बाद पूरे एक्सपेंस का आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आप जिस भी टाइप का रिपोर्ट जनरेट करना चाहे वो सीधा आप व्हाट्सअप या ईमेल पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। सेटिंग में जाके आप जो कैटेगरी है उसको रीनेम या तो नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं वहाँ। ये मेरी पास्ट ट्रिप के रिपोर्ट्स हैं। पीडीएफ रिपोर्ट आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल अमाउंट और जहाँ पे रीएम्बर्समेंट यस किया होगा वो भी आपको अलग से देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए आपने जो जो डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल आप यहाँ पे कॉलम वाइज देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा रिपोर्ट और डिटेल्स के नीचे सारे बिल्स की कॉपीज, डेट और सब्जेक्ट वाइज। और इसको आप एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेल फाइल, अगर आपको सेपरेटली जिप फाइल में अलग बिल चाहिए तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। देखा गाइस कितना इजी है इस एप्लीकेशन को यूज करना। जब आप ट्रैवल करके आए और आपको अगर बिल्स कंपनी में सबमिट भी करने हैं तो आपको वापस से कोई एक्सेल या कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए ये मेरा फेवरेट ऐप है। तो देखा गाइस आज के मोबाइल ऐप के जमाने में कितना ईजी हो गया है ट्रैवल प्लान करना। और इसमें हमने जो पांच ऐप दिखे गो यूरो को छोड़ के दूसरे चार एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आप आपकी हर एक ट्रिप में यूज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब और उसके बाजू में जो बेल बटन है वहां पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एवरी संडे 8 o'clock मैं नए वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो जब भी मैं पोस्ट करूँ तो यू विल बी द फर्स्ट वन हु गेट द नोटिफिकेशन। सो सी यू गाइज, प्लान योर ट्रिप विद दिस मोबाइल ऐप
एंड सी यू ऑन नेक्स्ट संडे. बाय बाय.